हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं दही बैंगन फिश करी। इसके लिए हमने फिश को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर रहे हैं स्वाद अनुसार, और इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया 1 चम्मच। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब एक तवे पे हमने तेल गरम कर लिया। अब इसमें हमने अपने मैरिनेटेड फिश को दिया और अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। देखिए, हमारा फिश एक साइड से फ्राई होने लगा है। अब इसको हम पलट देंगे, दूसरे साइड अच्छे तरीके से पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम पलट रहे हैं। देखिए, हमारा फिश कितना अच्छा कलर छोड़ा है और पूरे गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम दूसरे साइड भी अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। अब हमने थोड़ा सा बैंगन कट कर लिया और इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर ऐड किया। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। देखिए, हमारा बैंगन अच्छे तरीके से मिल गया। मसाला मिलने के बाद हम इसमें एक तवे पे थोड़ा सा तेल ऐड कर रहे हैं और उसमें हमारा ये बैंगन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको फ्राई करेंगे। अब दूसरी ओर हमने एक कढ़ाई बिठाया और कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून तेल ऐड करना है। देखिए, हमने तेल ऐड कर दिया और इसमें तेल गरम होने के बाद हम इसमें 5 स्पाइस यानी कि 5 फ़ोरन ऐड करना है। हमने ऐड किया 1/2 टीस्पून 5 स्पाइस। अब इसमें पिसी हुई प्याज 1 बड़ी चम्मच ऐड किया। अब इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच ऐड किया। अच्छे तरीके से अब इसको हम मिला लेंगे। अच्छे तरीके से मिला हिलाते जाएंगे, नहीं तो ये बैठ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से चलाने के बाद हमने एक साइड कर दिया मसाला को। अब इसमें हम करी पत्ता ऐड कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 1 बंच करी पत्ता लिया है। अब मसाला को एक साथ ही हम अच्छे से मिला लेंगे करी पत्ता थोड़ा भूनने के बाद। पूरे मसाले को एक साथ ही अच्छे से मिला लिया। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड किया। देखिए, हमारा बैंगन भी होने वाला है। हम इसको एक साइड से पलट देंगे, दूसरे साइड भी अच्छे से होने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक ही पकाना है, फिर इसके आंच बंद कर देना है। और दूसरे ओर हमने मसाला को अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड किया, अच्छे से मिला लिया। और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड किया, अच्छे से मिला लिया। देखिए, हमारा मसाला कलर छोड़ने लगा है। अब इसमें हमने 1.5 कप दही को अच्छे से फेंट लिया था और उसको मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। हमने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया। अच्छे से पानी ऐड करने के बाद पूरा अच्छे से मिला लेते हैं और इसको ढक देंगे उबाल आने तक। उबाल आने के बाद ढक्कन खोल के हमने अच्छे से और एक बार मिला लेते हैं। और देखिए, हमारा फिश भी बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। हम इस पे छोड़ देते हैं।
करी हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं। करी में सारे फिश हम एक एक करके देते जाएंगे। सारे फिश हमने यहाँ पे 10 पीसेस फिश लिया था। अब इसको सारे ऐड करने के बाद हमारा बैंगन इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा बाद इसको उबाल आने तक हम बैंगन ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा घी ऐड कर रहे हैं। इसको ढक देंगे अच्छे से और इसको अब 10 मिनट बाद सर्व कर सकते हैं राइस के साथ।